स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए उनमें से आज की इस वीडियो में हम कवरअप करेंगे चंपारण खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। इन तीनों को आज हम कम्प्लीटली देखेंगे कि किस सन में चलाए गए, क्यों चलाए गए, किस लिए चलाया गया और क्या मांग रखी किसानों ने, मतलब जो भी इन सभी के बारे में, इन आंदोलनों के बारे में जो भी डिटेल्स होगी वो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो जरूर से पसंद आएगी और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों अपने के जो भी दोस्त हैं आपके उनके साथ शेयर करना और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चलिए हम चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन इन सभी को आज देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। तो ये चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1918 में। जब ये आंदोलन चलाया गया था तो उस समय क्या था, बहुत से आंदोलनों की शुरुआत भारत में हो चुकी थी जो कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ चलाए जा रहे थे, ठीक है। और इन आंदोलनों का जो एक मुख्य जो भाग था उसमें यह छुपा हुआ था कि भारतीय किसानों को नील यानी कि इंडिगो की पैदावार करने के लिए जोर डाला जा रहा था। यानी जो भी आंदोलन चलाए जा रहे थे ब्रिटिशों के खिलाफ उसको चलाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि भारतीय किसानों पर यह जोर डाला जा रहा है कि वो नील की खेती को करें, क्योंकि नील की खेती से जो ब्रिटिश होते थे उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता था। क्यों होता था, क्योंकि नील की खेती से उन्हें जो भी पैसा प्राप्त होता था, जो उन्हें नील प्राप्त होता था वो विदेशों में बेचते थे। विदेशों में बेचने के बाद उन्हें बहुत ही मात्रा में मतलब पैसा मिलता था, ठीक है। इसी के साथ आगे है, इसी के साथ यहाँ तक कि उन्होंने निश्चित कीमत पर बेचने के लिए व्यवस्था भी कर दी। यानी कि देखिए यहाँ पर किसानों के साथ क्या अत्याचार किया जा रहा है, एक तो उन्हें मजबूर किया जा रहा है नील की खेती की पैदावार करने के लिए। जब ये कर दिया गया तो उसके बाद और उन पर जुल्म करने के लिए एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए भी विवश कर दिया गया। तो देखिए एक तो खेती भी उनसे करवाई जा रही है और एक निश्चित ही कीमत पर वो बेचेंगे भी, जो कि भारतीय किसान ऐसा नहीं चाहते थे। जो भारतीय किसान ऐसा नहीं चाहते थे महात्मा गांधी ने उनको अपनी मदद प्रदान की। यानी कि महात्मा गांधी को उन्होंने बुलाया किसानों ने और उनसे मदद मांगी। तो महात्मा गांधी जी ने अपना अहिंसक आंदोलन चलाया, महात्मा गांधी जी ने अपना एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी। ये माननी बात क्यों पड़ी ये थोड़ा बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो इस वीडियो में वो नहीं जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये तो आंदोलन चला और महात्मा गांधी जी की बात को मान लिया गया, वो बात मान ली गई, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। और इसी वर्ष क्या हुआ कि खेड़ा नामक गांव में, यानी कि ये गुजरात प्रांत में स्थित है, ठीक है, वहाँ बाढ़ यानी फ्लूड आ गई थी। वहाँ के किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए जाने वाले जो भी लगाए जाने वाला टैक्स था उसे भरने में असक्षम हो गए। देखिए खेड़ा नामक गांव है गुजरात में, वहाँ पर बाढ़ आई, बाढ़ आई तो क्या हुआ, किसानों को जो भी टैक्स देना होता था उसके लिए उनके पास पैसा नहीं बचा, पैसा नहीं बचा तो अंग्रेज़ों ने उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब अत्याचार करना शुरू कर दिया तो किसानों ने गांधी जी से सहायता ली। गांधी जी ने अपना असहयोग हथियार जिसे हम कहते हैं नॉन कॉर्पोरेशन नामक हथियार का उपयोग किया, ठीक है। असहयोग हथियार यानी कि इन्होंने अपनी जो भी अच्छी बातें हैं जैसे सत्य परम मतलब सत्य अहिंसा और शांति के रास्ते पर चलकर इस समस्या को सुलझाया। कैसे सुलझाया वो बता देता हूँ। तो देखिए उन्होंने नॉन कॉर्पोरेट नामक हथियार का उपयोग किया, किसानों को टैक्स में छूट दिलाने के लिए आंदोलन किया। इस आंदोलन में गांधी जी को जनता का बहुत समर्थन मिला था। आखिरकार मई 1918 में ब्रिटिश सरकार को अपने टैक्स संबंधी नियमों में किसानों को राहत देनी पड़ी। देखिए महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाया और आंदोलन चलाते ही मई 1918 में यह आंदोलन सफल भी हुआ और किसानों को राहत देने की घोषणा भी कर दी गई। तो ये तो था कि 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह चलाए। दोस्तों अगला आंदोलन है हमारा खिलाफत आंदोलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं खिलाफत मूवमेंट, जो कि 1919 में चलाया गया था। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आपको बता देता हूँ कि इसको चलाने का मेन मकसद क्या था। तो 1914 से लेकर 1918-19 तक जो भी आपका प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय इस्लामी जगत के जिसे ईश्वर माना जाता था उसकी शक्तियों को ब्रिटिशों द्वारा छीन लिया गया था, उसके साम्राज्य को भी जीत लिया गया था। तो इस दौरान वैश्विक स्तर पर
जो भी मतलब इस्लामी जगत के जो लोग थे, कट्टरपंथी थे, उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ बहुत ही बड़े आंदोलन शुरू कर दिए। ऐसा ही आंदोलन एक भारत में 1919 में चलाया गया, जिसे हम कहते हैं खिलाफत आंदोलन, जो कि दो अली बंधुओं द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अब देखिए चलते हैं इसको, क्या मतलब चलाने का उद्देश्य क्या था। तो देखिए 1919 में क्या हुआ कि गांधी जी को यह पता चला कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई है, और जो मुस्लिमों और कांग्रेस के बीच में मतलब मुस्लिमों और कांग्रेस के बीच में जो एक एकता है वो ख़त्म होती जा रही है, और इस एकता को स्थापित करने का मात्र यही एक तरीका है कि मुस्लिम समाज में जो लोग हैं उनसे संबंध बनाया जाए, उन्हें अपने में मिलाया जाए, और ब्रिटिश सरकार को भारत से भगाया जाए। ठीक है, तो इस समय क्या था, जब ये गांधी जी ऐसा सोच रहे थे तो उस समय खिलाफत आंदोलन वैश्विक स्तर पर चल रहा था, जो कि मुस्लिमों के कालिफ यानी कि क्लिफ के खिलाफ चलाया गया था। महात्मा गांधी ने संपूर्ण राष्ट्र के मुस्लिमों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिन्हें कहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और वे स्वयं इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य व्यक्ति थे। इस आंदोलन ने मुस्लिमों को बहुत सपोर्ट किया, और गांधी जी के इस प्रयास से, किस प्रयास से, जो ये मूवमेंट, ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, इस प्रयास के कारण मुस्लिमों को मतलब उन्हें राष्ट्रीय नेशनल लीडर बना दिया गया। किसका? खिलाफत आंदोलन का उन्हें राष्ट्र नेशनल लीडर बना दिया गया, और कांग्रेस उनकी खास जगह बन गई, कांग्रेस में उनकी खास जगह भी बन गई। लेकिन 1922 में जब खिलाफत आंदोलन बुरी तरह से बंद हो गया, और उसके बाद गांधी जी अपने संपूर्ण जीवन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ते रहे, परंतु हिंदू और मुस्लिमों के बीच की दूरियां बढ़ती ही गईं। क्यों? क्योंकि खिलाफत आंदोलन, कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में एक तनाव की स्थिति, संघर्ष की स्थिति, एक मतलब युद्ध जैसी स्थिति, मनोभावना की स्थिति बन गई, जिसकी वजह से आज भी हमें मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में एकता कभी देखने को नहीं मिलती है। तो ये था दोस्तों हमारा खिलाफत आंदोलन। अगला आंदोलन है 1920 में चलाया गया असहयोग आंदोलन, जिसे हम कहते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। 1920 में चलाया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। इसको चलाने के मुख्य उद्देश्य क्या थे, ये मतलब इसके कारण क्या थे? कारण इसके दो कारण थे मेन। एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और एक रोलेट एक्ट पारित किया गया था। इसकी वजह से विभिन्न स्थानों पर जब ये रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ पंजाब के अमृतसर क्षेत्र में, तो इन सभी से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने क्या किया, एक आंदोलन चलाया जिसे कहा जाता है असहयोग आंदोलन। 1920 में चलाया गया, ठीक है, जिसके विरोध में उन्होंने आंदोलन जो है वो प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन का अर्थ यह था कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सरकार को किसी भी प्रकार की सहायता ना की जाए, परंतु इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, यानी कि सहायता नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें जान से मार देंगे, ये नहीं होगा। हम उन्हें अपनी तरफ से कोई भी सहायता नहीं देंगे, इसका मुख्य उद्देश्य ये था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, अब इसको विस्तृत वर्णन से आपको बताता हूँ। यह आंदोलन जो है 1920 सितंबर 1920 से शुरू हुआ था, और फरवरी 1922 तक चला था। गांधी जी द्वारा चलाए गए तीन प्रमुख आंदोलनों में से यह पहला आंदोलन था। इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे महात्मा गांधी की यह सोच थी कि भारत में ब्रिटिश सरकार केवल इसलिए राज कर पा रही है क्योंकि, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारतीय लोगों द्वारा ही उसे सपोर्ट किया जा रहा है। ब्रिटिश कंपनी हम पर राज क्यों कर पा रही है, क्योंकि भारतीय लोगों द्वारा ही उसे सपोर्ट मिल रहा है, यानी जब खुद के देश के लोग ही उन्हें सपोर्ट करेंगे तो वो राज हम पर क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीय पर राज कर पाना मुश्किल होगा, क्यों, जब उन्हें हमसे सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा तब। देखिए, एक तो उन्हें सपोर्ट मिल रहा है तो वो हम पर राज कर पा रहे हैं, जब हम उन्हें सपोर्ट ही नहीं देंगे तो वो हम पर राज ही नहीं कर पाएंगे। तो ये महात्मा गांधी की लोगों से अपील थी कि वे ब्रिटिश सरकार को किसी भी काम में सहयोग ना करें, परंतु इसमें किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि शामिल नहीं थी, यानी कि मारपीट या दंगा फसाद या फिर कोई भी हत्या करना ये शामिल नहीं था। लोगों को गांधी जी की बात समझ में आई और सही भी लगी। लोग बहुत बड़ी मात्रा में बल्कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर आंदोलन से जुड़ने लगे। देखिए, जैसे ही महात्मा गांधी जी ने कहा यह हिंसात्मक गतिविधि नहीं होगी, जैसे ही ये बात लोगों ने सुनी तो राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर भी लोग इसमें शामिल होने लगे। उसके बाद है ब्रिटिश सरकार को असहयोग आंदोलन, मतलब ब्रिटिश सरकार को सहयोग करना बंद कर दिया लोगों ने। इसके लिए लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां, फैक्ट्री,
कार्यालय आदि छोड़ दिए, लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से निकाल लिया, अर्थात हर वो प्रयास जिसमें अंग्रेज को किसी भी प्रकार की सहायता ना मिले, परंतु इस कारण से लोगों के गरीबी और अनपढ़ होने की स्थिति में पहुंच गए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ लोग शामिल हो गए, सहायता देना बंद कर दिया, तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियाँ, फैक्ट्री, कार्यालय, इन सभी से लोगों ने अपनी छुट्टियाँ कर दी, इस्तीफे दे दिए, बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेजों से अपना निकाल लिया। एक तरह से उन्होंने पूरी तरीके से ब्रिटिश लोगों को जिस प्रकार से मदद मिल सकती थी उन सभी रास्तों को उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। परंतु फिर भी ये लोग जितने भी आज़ादी के लिए जो सहते रहते, उसमें कुछ ऐसा माहौल बन गया एक दिन कि आंदोलन जब चरम स्थिति पर था, यानी लगता था कि अब आज़ादी मिलकर रहेगी, चोरा चोरी नामक स्थान पर हुई घटना के कारण इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। अब यह चोरा चोरी नामक घटना क्या थी, मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो देखिए चोरा चोरी कांड, जिसे हम कहते हैं चोरा चोरी इंसिडेंट, ये था क्या कि असहयोग आंदोलन संपूर्ण देश में अहिंसात्मक तरीके से चलाया जा रहा था। तो इस दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के चोरा चोरी नामक स्थान पर जब कुछ लोग शांतिपूर्वक तरीके से रैली निकाल रहे थे, तब अंग्रेजी सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी। आंदोलन तो वो शांतिपूर्वक निकाल रहे थे, लेकिन अंग्रेजी सैनिकों ने क्या किया, उन पर गोलियां चला दी, और जब गोलियां चला दी तो लोगों की इसमें मौत हो गई। तो गुस्से से भरी इस भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। जब आग लगाई तो लगभग 22 सैनिकों की वहाँ पर हत्या हो गई, और जब यह हत्या की बात महात्मा गांधी जी को पता लगी, तो महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया। क्यों बंद किया, उन्होंने आंदोलन शुरू करने से पहले ही कहा था हमें संपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी हिंसात्मक गतिविधि को नहीं करना था, शायद हम अभी आज़ादी पाने के लायक नहीं हुए, और इस हिंसात्मक गतिविधि के कारण उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। तो इस तरह से जो ये आंदोलन था वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन बता दिए। अगली वीडियो में आपको भारत छोड़ो आंदोलन और एक जो महत्वपूर्ण आंदोलन बच जाता है वो भी आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।